उपखंड में सिटी थाना क्षेत्र में गत 14 अक्टूबर को घटित अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुख्य आरोपी से पूछताछ जारी है। सिटी थाना पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मुख्य आरोपी की निशानदेही पर फिरौती की रकम में से 3 लाख रुपए नकदी तथा अपराध में प्रयुक्त बाइक एवं कार को जब्त कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी के भी अपराध में शामिल होने का खुलासा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि 14 अक्टूबर को दर्ज प्रकरण के अनुसार मनोज कॉलोनी निवासी माइंस कारोबारी राहुल जैन सदर थाना क्षेत्र के शामगढ़ में माइंस से माइंस कारोबारी जैन का 14 अक्टूबर को अपहरण कर परिजनों से 30 लाख की राशि वसूली थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद सिटी थाना पुलिस ने अनुसंधान के दौरान गत 23 अक्टूबर को गोदाजी की नारी शामगढ़ निवासी सिकंदर पुत्र शौकीन महराज को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। साथ ही अपहरण में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल एवं इको कार को भी जब्त कर लिया है। सिटी थाना अधिकारी जोधा के अनुसार सिकंदर ने साथी रमेश सिंह पुत्र कल्ला सिंह रावत निवासी मालपुरा के साथ मिलकर पाली में एटीएम तोड़ने किशनगढ़ में भिनाई में हाईवे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें अभियुक्त गिरफ्तार होकर जमानत पर आजाद थे। बताया जा रहा है कि रमेश सिंह जमानत पर आजाद होने के बाद अधिकांश समय अदालत परिसर ब्यावर में ही व्यतीत करता है, जिसकी घनिष्ठता एक अधिवक्ता से होने पर आमजन को स्वयं को वकील होने की धौंस भी दिखाता था। पुलिस पूछताछ में सिकंदर ने बताया है कि अपहरण करने से पूर्व स्थानीय अधिवक्ता से जमानत कराए जाने बाबत चर्चा करके गंभीर घटना को अंजाम दिया गया है। रमेश सिंह रावत अपने निवास से फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। रमेश की गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान होने पर और भी अपराध खुलने के आसार है। सिटी थाना पुलिस के रिकॉर्ड की जाँच की तो पाया कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 9 मुकदमे हैं, जिनमें ब्यावर सदर में 2, ब्यावर सिटी थाने में 1 मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा थाना औद्योगिक नगर पाली, सोजत रोड पाली, कोतवाली पाली, किशनगढ़ शहर, भिनाय तथा नसराबाद में आपराधिक मुकदमे दर्ज चले आ रहे हैं। 14/10/2022 को जो माइंस व्यापारी है राहुल जैन के साथ जो अपहरण कर फिरौती का मामला जो था, उसमें मुख्य आरोपी सिकंदर को हमने पहले भी गिरफ्तार कर लिया था। अब उससे 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और घटना में प्रयुक्त इको कार और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग जगह हमारी टीमें गई हुई है, जल्दी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।